दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट को यूज करते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो एक नया अपडेट आया है अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें दोस्तों आप जब फ्लिपकार्ट के किसी भी प्रोडक्ट को शेयर कर देते हैं तब उसमें आपको 12% तक का कमीशन मिल रहा था। सभी लोगों को मिल रहा था दोस्तों, जिन लोगों को क्रिएटर स्टूडियो मिल गया था। दोस्तों अगर आपको भी मिला था क्रिएटर स्टूडियो तो आपको मालूम ही होगा कि क्रिएटर स्टूडियो अभी कुछ दिन पहले ही फिर से बंद हो गया है और फिर से इसमें कमीशन मिलना सभी लोगों को बंद हो गया है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फिर से फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो मिल जाएगा और फिर से आप जब प्रोडक्ट को शेयर करेंगे तो दोस्तों आपको कमीशन मिलेगा, बराबर कमीशन मिलेगा। दोस्तों आप यहां से मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे फिर से क्रिएटर स्टूडियो मिल गया है। और दोस्तों आप यहां अर्निंग वाले सेक्शन पे आप जाकर देख सकते हैं कि मुझे फिर से पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो मिला है और आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो को कहीं भी स्पीक मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दुर्गेश टेक में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ आपको। दोस्तों मैं अपने चैनल पे YouTube, Facebook, WhatsApp से वीडियोस हमेशा देते रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। और दोस्तों अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और साथ में दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ बात कहनी है तो सिंपली आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो के लिए अप्लाई किया था और फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो आपको मिल भी गया था और कुछ दिन यूज करने के बाद फिर से फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो आपके एप्लीकेशन से हट गया है और उसमें कमीशन मिलना बंद हो गया है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वापस से फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो चालू करना है आपको। और दोस्तों मैं सबसे पहले तो बता देता हूँ उन क्रिएटर को जो लोग नए हैं और उनको फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो पहले भी नहीं मिला था और अभी भी नहीं मिला है, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट क्रिएटर के लिए अप्लाई करिएगा। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आप मेरे चैनल पे जाके मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में फुल स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताया था कि कैसे आपको अप्लाई करना है, और जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है ना उन लोगों को फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो मात्र 5 दिन के अंदर मिल गया था। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो आपको भी फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों अब जिन लोगों का फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो मिल गया था पहले और फिर से बंद हो गया है, मैं उन लोगों को बताता हूँ। दोस्तों अगर आपका भी फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो बंद हो गया है तो मैं आपको बताता हूँ कि बंद क्यों हुआ है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है सितंबर महीने में एक अपडेट आया था फ्लिपकार्ट में, जिसमें दोस्तों आप जब जैसे ही अपडेट किए थे उसके पहले आपका फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो चल रहा था, लेकिन जैसे ही अपडेट किए थे तो आपका फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो बंद हो गया था फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में। तो सिंपली दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो को चालू करने के लिए आपको सितंबर महीने के पहले वाला फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कहां से करना है दोस्तों और इससे क्या होगा दोस्तों मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ओल्ड वर्जन के फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से दोस्तों, अगर आप मान लीजिए अगस्त महीने का जो अपडेट आता है उस तब वाला फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे ना, तो दोस्तों उस वक्त जो जो फीचर थे ना उसमें वो सब कुछ आपको फिर से मिल जाएंगे। तो दोस्तों उस वक्त फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो था फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में, तो सिंपली आपको फिर से वो मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है। क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओल्ड वर्जन। सिंपली दोस्तों इतना लिखकर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद सिंपली दोस्तों आप आसानी से फ्लिपकार्ट के ओल्ड वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे डाउनलोड करते नहीं आ रहा है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन को तो सिंपली दोस्तों आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें दोस्तों मैं फुल स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा आपको कि कैसे आपको फ्लिपकार्ट के ओल्ड वर्जन वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सिंपली दोस्तों डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर से आपको अपनी ही आईडी ओपन कर लेना है जिसमें दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो मिल गया था, वही वाली आईडी को फिर से चालू कर लेना है। चालू करते ही दोस्तों आप सिंपली अपने फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं जैसे मुझे मिल गया है दोस्तों फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो, फिर से दोस्तों देख सकते हैं कि मुझे इसमें पैसे भी मिल रहे हैं और इसमें कमीशन भी शो कर रहा। सिंपली दोस्तों ऐसे ही आपको भी मिलना लगेगा और आप भी प्रोडक्ट को शेयर करके पैसे कमा पाएंगे बहुत ही ज्यादा। दोस्तों ऐसे ही फ्लिपकार्ट क्रिएटर स्टूडियो से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको ऐसा ऐसी वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, दोस्तों शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।